गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज के टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हो रही हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज दोपहर की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थाट्स देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर आपका या फिर आपके पर्सन का किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स, द मजिशियन, एस ऑफ कप्स, डेथ एंड द टावर। ओके, सबसे पहले बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या हैं, तो ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट नज़र आ रहे हैं और ये हर्ट ये इस बात की वजह से भी हैं कि इस पर्सन ने ईगो में आकर आपसे आपके सारे अधिकार छीन लिए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में रहते हुए इस पर्सन के साथ लॉयल नहीं हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। ये पर्सन ईगो में नज़र आ रहा है, गुस्से में नज़र आ रहा है। इस पर्सन को किसी बात का घमंड है और ये घमंड इस पर्सन को इसकी ब्यूटी पर हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन इस रिश्ते में ना बंद कर रह गए हैं, उलझ कर रह गए हैं और इस रिश्ते से निकलने के ये पर्सन बहाने ढूंढ रहा है। तो ये पर्सन आपको एक ऐसी नज़र से देख रहा है जिसको ये पर्सन ना तो खोना चाहता है और ना ही ये पर्सन आपको किसी और का होने देना चाहता है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई अदर रिश्ता है, यानी इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन ने एक ऐसा रिश्ता बना रखा है, या तो ये पर्सन मैरिड है, इस पर्सन की वाइफ या फिर इस पर्सन के हस्बैंड इस पर्सन को कंट्रोल में रखते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आपको भी पाना चाहता है और अपनी फैमिली को भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की हैं आपके लिए कि ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है, आपको गुस्सा भी दिखा रहा है, आपको ईगो भी दिखा रहा है और आपको अपने कंट्रोल से बाहर भी नहीं आने देना चाहता। आप इस पर्सन से दूर रहकर अगर कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में ना, तो ये पर्सन आपको उनसे भी करने से रोकता है, यानी कि उन चीज़ों को करने से भी ये पर्सन आपको रोकता है जो आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको अपने दबाव में लेकर आपसे वो सब चाहता है जो ये पर्सन चाहता है, पर आप ऐसा नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मैरिड है और इसीलिए आप इस पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। आप नहीं चाहते इस पर्सन से शादी करना या इस पर्सन के साथ किसी भी रिश्ते में रहना, पर ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बने हुए रहना चाहते हैं। भले ये पर्सन मैरिड है पर आपसे भी शादी करने का सोच रहा है। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये पर्सन मैरिड है, पर इसके बावजूद भी इस पर्सन का दिल अगर आप पर आ गया है तो ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आपको हासिल करना चाहता है। कैसे भी दाम दंड भेद इस्तेमाल करके ये पर्सन आपको हासिल करना चाहता है। और साथ ही आप देख सकते हैं प्रेजेंट में इस पर्सन की एनर्जीज किस हद तक नेगेटिव नज़र आ रही हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ में रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया है। तो यहाँ पर डेथ और द टावर के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रेजेंट में ये पर्सन काफ़ी हर्ट हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, मुंह फेर करना, किसी और के ही तरफ देख रहे हैं। उम्मीद आपको इस पर्सन से नहीं है कि यह पर्सन कभी आपसे शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी यह पर्सन आपको आश्वासन दे रहा है कि यह पर्सन आपको अपना बनाएगा, आपका रहेगा। पर यह पर्सन अपने गुस्से और ईगो में सुधार नहीं कर रहा। इस पर्सन के बिहेवियर से आप इस पर्सन पर शक करने लगे हैं, आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं रहा, इसीलिए इस रिश्ते को ख़त्म करके आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आती हुई नज़र भी आ रही है। जहाँ से जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वहाँ से एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होने जा रही है और ये चीज़ें ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इस पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और ये चीज़ इस पर्सन को सहन नहीं हो रही है। आज दोपहर भी ये पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से यही बातें कर रहा है कि पर्सन आपको अपनाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो तो ये पर्सन ना आपको अपने फेवर में लेकर करेगी
ये सारी चीज़ें, या फिर अपना प्यार आपको शो करके करे, ये पर्सन आपको लेकर कितना इमोशनल है, कितना प्यार करता है, ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, ये पर्सन बताना चाहता है। प्यार की अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं चीज़ है, पर हाँ इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप परेशान हैं, पर यह पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा, ये चीज़ भी है। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन के साथ साथ एस ऑफ कप्स के कार्ड का आना इस पर्सन की फीलिंग्स को, इस पर्सन के इमोशंस को क्लियर बता रहे हैं कि इस पर्सन के इमोशंस इस वक्त भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, और ये पर्सन आपको अपना बनाने के लिए जिस हद तक सीरियस नज़र आ रहा है ना, वो यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड में आप देख भी सकते हैं। ये पर्सन एक ऐसा मैजिशियन है जो किसी को भी नहीं खोना चाहता, ये पर्सन अपने जीवन से किसी को भी इतनी आसानी से निकलने देना नहीं चाहता, ये पर्सन उस इंसान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। चाहे इस पर्सन को आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, ये हर हद से गुजर जाएगा, हर हद पार कर जाएगा, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहा है। और आपको अपना बनाने के लिए इस पर्सन को जो भी हद पार करनी हो, जो भी दावदंड भेद इस्तेमाल करने हो, ये पर्सन उससे भी पीछे नहीं रहने वाले। तो द मैजिशियन के कार्ड को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये पर्सन किस हद तक आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस एस ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन अगर आपके बारे में कुछ बात कर रहा है तो वो यही है कि इस पर्सन के दिल दिमाग पर आपका जादू चल चुका है, और इस पर्सन के दिल दिमाग में आप इस तरह समाए हुए हैं कि ये पर्सन आपको बुलाने की कोशिश भी करे तो ये पर्सन भुला नहीं पा रहा, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना इस पर्सन की ज़िंदगी में, इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है जो ये पर्सन छोड़ भी नहीं सकता, और उस रिश्ते की वजह से ये पर्सन आपको अपना भी नहीं पा रहा। तो ऐसा लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये आपसे शादी कर सके और आपको अपना बना सके, पर थर्ड पार्टी शायद ऐसा नहीं चाहती, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही हैं। और आपको जब से ये बात पता चली है कि ये पर्सन किसी अदर रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो आपने भी इस पर्सन का साथ छोड़ने का सोच लिया है, या फिर अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं तो लगातार इस पर्सन की कोशिश भी यही है कि ये पर्सन आपको अपना बना ले। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है, और इस तरह की बातें ये पर्सन अपनी फैमिली में करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो भी पाना चाहता है उसको हासिल करके रहता है। तो ये पर्सन आपको भगा ले जाना चाहता है, आपके साथ शादी करने का सोच रहा है, आपको अपना बनाने का सोच रहा है, आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पा रहा, ये पर्सन बहुत रो रहा है। आज दोपहर भी एक ऐसी एनर्जी में है कि ये पर्सन आपको पाने की रणनीति जैसे कि बना रहा हो, आपको पाने के लिए ये पर्सन दाम दंड भेद तो इस्तेमाल करेगा ही, साथ में आपका दिल जीतने की ये पर्सन कोशिश कर सकता है। अगर आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस पर्सन को अच्छे से समझना होगा, इस पर्सन को ये बात समझानी भी होगी कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, इस पर्सन से रिश्ता नहीं निभा सकते आप। तो आपको पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते। आप अगर एक ऐसे रिश्ते में बनकर रहना चाहते हैं जिस रिश्ते में आपका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप पर दबाव बना रहा है, तो आपको एक ऐसी एनर्जी में आना होगा जहाँ पर इस पर्सन को ये शो करने की आवश्यकता हो सकती है कि आप इसके साथ रिश्ता नहीं चाहते। अगर आप इस पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं तो आपको इस पर्सन के साथ रिश्ता बनाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, और ना ही किसी बंधन में आपको आपके बिना मर्जी के बांध सकता है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और जो आप चाहते हैं आपको वो करना है। तो आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है कि ये पर्सन जो भी चाहे, आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो भला है ना वो किस में है। तो आपको ये देखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है और स्टक नहीं रहना। आप किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत चाहते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने जा रहा है, कोई अदर पर्सन आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आ रहा है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आप चाहें तो उस नए व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।